नमस्कार, स्वागत है आपका ओमान न्यूज हिंदी में एक बार फिर से। महामहिम सुल्तान हैतम बिन तारिक, जो कि ओमान के तीनों सेनाओं के सर्वोच्च कमांडर हैं, परेड ग्राउंड में ओमान की सभी सेनाओं ने इनको शाही सलामी दी। वहां पर मौजूद संयुक्त सैन्य संगीत बैंड के द्वारा शाही धुन बजाया गया और तोपखानों ने महामहिम को 21 तोपों की सलामी दी। इसके बाद से हर सेना की टुकड़ी ने महामहिम के सामने से मार्च पास्ट किया। और देखिए, इसमें सेनाओं के अलग अलग डिपार्टमेंट की जो सभी टुकड़ियां हैं शामिल हुई। ओमान न्यूज एजेंसी के अनुसार इस परेड में ओमान की रॉयल आर्मी, ओमान की रॉयल एयरफोर्स, ओमान की रॉयल नेवी, रॉयल गार्ड ऑफ ओमान और सुल्तान की स्पेशल फोर्स का प्रतिनिधित्व करने वाले प्रतीकात्मक इकाइयां इस परेड में शामिल हुई। रॉयल ओमान पुलिस, रॉयल कोर्ट और संयुक्त संगीत बैंड ने भी इस परेड में भाग लिया। राष्ट्रीय दिवस के अवसर पर रॉयल ओमान पुलिस के तरफ से एक उपहार भी महामहिम सुल्तान हैतम बिन तारिक को सुपुर्द किया गया, जिसको रक्षा मामलों के उप प्रधानमंत्री एच सैयद सिहाब बिन तारिक ने महामहिम के लिए प्रस्तुत किया था। महामहिम सुल्तान हैतम बिन तारिक के परेड के दौरान शाही परिवार के सदस्य, राज्य परिषद, शूरा परिषद के अध्यक्ष और मंत्री सलाहकार और अन्य सेनाओं के और सुरक्षा विभागों के कमांडर मौजूद रहे। ओमान के स्वास्थ्य मंत्रालय ने पिछले 24 घंटों का आंकड़ा जारी करते हुए बताया है कि ओमान में 13 नए कोविड मामले सामने आए हैं। किसी की भी मृत्यु सल्तनत में नहीं हुई है और इस समय एक्टिव केस केवल 469 ही हैं और ओमान में टोटल कोविड संख्या इस समय 304,466 हो गई है। मरने वालों का कुल आंकड़ा 4,113 पे रुका हुआ है। देखिए, ओमान में ठीक होने वाले रोगियों की संख्या में लगातार बढ़ोतरी देखने को मिल रही है। 299,884 लोग पूरी तरह से रिकवर हो गए, यानी कि इस समय ओमान में एक्टिव केस केवल 469 ही बचे हैं, जिनमें से 12 लोग अपना इलाज हॉस्पिटल में करा रहे हैं, जिनमें से 4 की हालत क्रिटिकल है, आईसीयू में एडमिट हैं और पिछले 24 घंटे के दौरान 1 व्यक्ति को हॉस्पिटल में ले जाने की आवश्यकता पड़ी है। स्वास्थ्य मंत्रालय ने कोविड-19 वैक्सीन के बूस्टर खुराक के समय अवधि को कम कर दिया है, यानी कि यदि आपने कोई वैक्सीन कंप्लीट लगवाई है और आपको बूस्टर खुराक लेना है तो 8 महीने के बाद से आप बूस्टर खुराक ले सकते थे, जो कि फाइजर बायोटेक की वैक्सीन बूस्टर खुराक के रूप में सल्तनत में दी जा रही है। लेकिन इस 8 महीने की अवधि को घटा करके 6 महीने कर दिया गया है। मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ ने कहा है कि बूस्टर खुराक और लक्षित समूहों को दी जाने वाली तीसरी खुराक फाइजर और वैक्सीन की होगी। भले ही व्यक्ति पहले से कोई टीका लिया हुआ हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है और उनको बूस्टर खुराक टीका लगाने से 6 महीने के बाद दी जाएगी। आज के इस आधुनिक ओमान का सपना सुल्तान काबूस ने देखा था और ये सपना धीरे धीरे पूरा होता दिख रहा है। और 91वें राष्ट्रीय दिवस के अवसर पर ओमान के दिवंगत सुल्तान काबूस के जो मजार है, उनकी जो मकबरा है, उसको फूलों से सजा दिया गया है और उनकी आत्मा को शांति के लिए प्रार्थना भी की गई। पर्यावरण प्राधिकरण ने जंगलों और पहाड़ों पर जिस तरह से पेड़ों को नष्ट करने वाले कीड़ों की पहचान के लिए जो सर्वेक्षण टीमें हैं वो भेज दी हैं और वहाँ पे अलग अलग सर्वेक्षण टीमों ने ओमानी बॉटनिकल गार्डन के सहयोग से इन कीड़ों की पहचान कर रहा है और इन कीड़ों को कैसे नष्ट किया जाए इसके बारे में भी जो नई नई जो केमिकल है, नई नई जो दवाएं हैं, उसका छिड़काव भी किया जाएगा। ओमान में 91वें राष्ट्रीय दिवस के अवसर पर आज घुड़सवारी का आयोजन होगा और इसके लिए पूरी तैयारियां कंप्लीट कर ली गई हैं। रॉयल ओमान पुलिस के यातायात विभाग ने बताया है कि 19 नवंबर यानी आज 3:30 बजे से 5:30 बजे तक ओमान के कुछ रोड्स हैं उनको ब्लॉक किया जा रहा है, उन पे किसी भी प्रकार का ट्रैफिक नहीं जाएगा, क्योंकि रेस के आयोजन को ध्यान में रखते हुए इन रोड्स पे जो ट्रैफिक को बंद कर दिया जाएगा। हालांकि रेस जब खत्म होगी उसके बाद से ट्रैफिक फिर से नियमित रूप से स्टार्ट कर दिया जाएगा। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में ओमान के कच्चे तेल की कीमतों में गिरावट दर्ज की गई है, 90 सेंट प्रति बैरल जो कीमतें कम हो चुकी हैं। जी हां, इससे पहले ओमान की जो तेल की कीमतें हैं वो $82.16 प्रति बैरल थी, जो कि गिर के $81.26 प्रति बैरल पहुंच गई। ओमान के 91वें राष्ट्रीय दिवस के अवसर पर भारत के राजदूत अमित नारंग ने ओमानी सरकार को 91वें राष्ट्रीय दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं दी और कुवैत के जो फेमस टावर है उसको भी ओमान के झंडे से पूरी तरह से रंग दिया गया है। कुवैत ने भी ओमान के 91वें राष्ट्रीय दिवस के अवसर पर शुभकामना संदेश दिया है।
अगली खबर भारत से। भारत में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किसान कानून, जो कि तीन कानून को लेकर किसान पिछले एक साल से लगातार प्रदर्शन कर रहे थे, इन कानूनों को वापस ले लिया है। यानी कि अब ये तीनों कानून लागू नहीं होंगे, इसके ऊपर से पुनः विचार विमर्श किया जाएगा और इससे किसानों में खुशी की लहर दौड़ पड़ी है। और किसी ने ये नहीं सोचा था कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज अपने संबोधन में इस तरह की कुछ अनाउंसमेंट कर सकते हैं। आज के लिए बस इतना ही। वीडियो कैसा लगा लाइक करके जरूर बताएं, और चैनल पे नए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब करिए ताकि ओमान से जुड़ी हर अपडेट आप तक सबसे पहले पहुंचे। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक अपना और अपनों का ख्याल रखिए। नमस्कार।